नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि जेडीयू में आज की तारीख में कोई बड़ा कद्दावर कुशवाहा नेता नहीं बचा है, केवल एक नेता है, वो है भगवान सिंह कुशवाहा। और इसलिए माना जा रहा है कि अब भगवान सिंह कुशवाहा ही जेडीयू के कुशवाहा फेस होंगे। नीतीश कुमार ने इनको बुलाया था, ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ करते थे, पहले नीतीश कुमार के साथ काम भी कर चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। दोबारा नीतीश कुमार ने इनको बुलाया है, पार्टी के संगठन में इनको लगाया है। और क्या उम्मीद है इनको नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार को तो इनसे बहुत उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह, नागमणि की जगह इनका एलिवेशन हो, ये उभर कर आए कुशवाहा समाज के नेता के रूप में। लेकिन कुशवाहा नेता के रूप में पहचान बना चुके भगवान सिंह कुशवाहा, और बड़ा नेता बनने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, क्या आपकी क्या योजना है? नागमणि जी तो रैला कर रहे हैं, आप क्या करेंगे जेडीयू से जोड़ने के लिए कुशवाहा को? सबसे पहले सिटी पोस्ट के माध्यम से मैं आज आपके स्टूडियो में उपस्थित हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, 132वीं जयंती है श्री कृष्ण जी जो मुख्यमंत्री थे, बिहार के श्री के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं उनको नमन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए की पार्ट थी, तो उस वक्त भी हम उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा करते थे कि आप एनडीए मन छोड़िए, क्योंकि एनडीए छोड़िएगा तो हम लोग का समाज फिर विस्फोट कर जाएगा। हमारे समाज के लोग कभी भी यूपीए के साथ नहीं जाएंगे, लालू यादव के गठबंधन के पास नहीं जाएंगे। चूँकि इन्होंने लालू यादव के गठबंधन को देखा है, उनकी शासन को देखा है, और सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि उस शासन को झेला है, तो वैसी स्थिति में आप यही रहिए। लेकिन नागमणि जैसे लोग, यही जैसे लोग उनको बहका करके ले गए। लेकिन भगवान जी, मेरा सवाल ये है कि अब तो कुशवाहा का कोई बड़ा नेता जेडीयू में रहा नहीं आपके अलावा, तो आपका एलिवेशन कैसे होगा, क्या देख रहे हैं भविष्य? हम सिर्फ अकेले नेता नहीं हैं। मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 2015 में कुशवाहा समाज के 16 टिकट दिया था विधानसभा से, और अभी 3 लोकसभा का सीट दिए थे और तीनों लोकसभा जीत करके चले आए, मतलब 100 में 100% चले आए। कुशवाहा के प्रतिनिधित्व में किसी तरह की बेईमानी नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो फिर भगवान से कुशवाहा को जेडीयू क्यों छोड़ना पड़ा, नीतीश कुमार को क्यों छोड़ना पड़ा था, और फिर क्यों आए? उस वक्त था हम लोग का जब नीतीश कुमार जी से अलग हुए थे, और एक बात आपको स्पष्ट बता दें, नीतीश कुमार हम लोग को अलग नहीं किए थे, हम लोग खुद अलग हो गए। क्यों हो गए थे, ये पूछ रहा हूं। कई सवालों था जिसको तो सवाल खत्म हो गए, जिस सवालों का गहराई में हम नहीं जाना चाहते हैं, और सभी सवाल अब खत्म हो गए हैं। और हमने तो मिलन समारोह में नीतीश कुमार के घर पर जो मिलन समारोह हुआ था, हमने बोला कि भैया अब मेरी उम्र 55 साल हो गई और बाकी जो शेष उम्र बची है वह नीतीश कुमार के लिए समर्पित है। और इसलिए नीतीश कुमार के लिए समर्पित है कि बिहार की जरूरत, बिहार की जनता की जरूरत नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की कुर्सी की जरूरत नहीं है, बिहार के 12.5 करोड़ लोगों की जरूरत है नीतीश कुमार। लेकिन आपने अपना पूरा जीवन अब कह रहे हैं कि दे देंगे नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, कोई पद क्यों नहीं दिया आपको? मुझे विश्वास है अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोकसभा नहीं लड़ना चाहते थे, हम दूसरे भी दल में थे तो कहे थे उपेंद्र कुशवाहा से कि हम लोकसभा के कैंडिडेट नहीं हैं। हम दल में जब शामिल हुए, नीतीश कुमार जी हमको बुलाए तो हमसे पूछा गया था कि दिल्ली की राजनीति करनी है कि बिहार की राजनीति करना, हमने कहा भैया बिहार में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमने नागमणि जी ने पार्टी छोड़ दिया, आप कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं है, कितना दिन इंतजार करेंगे? वो लोग का इंतजार नहीं करना उनका पेशा है, मेरी इंतजार करने के पेशा। हम दरअसल बहुत ही हम वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और हम विश्वास के साथ किसी के रहते विश्वघात करने की मेरी आदत नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब नीतीश कुमार के साथ है तो हमारे जैसे पार्ट्स कहाँ लगेगा, जो इंजन उनका अच्छा से काम करे, ये बाखूबी हमारे बारे में नीतीश कुमार जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि अच्छे जगहों पर पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हम जाने जाते हैं, संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो हमारी व्यवस्था पार्टी में होगी। और अब तो नीतीश कुमार के साथ ही रहना है, तो हमारी
एनर्जी कितना का उपयोग कर सकेगा पार्टी, हम कितना संगठन के काम करते हैं, कितना मेरी उपयोगिता हो सकती है पार्टी में, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। आपको लगता है कि जितनी आपकी उपयोगिता है, जितना कुछ आप कर सकते हैं पार्टी के लिए, उतना करने का मौका पार्टी दे रही है? बेशक, मुख्यमंत्री जी ने अभी उपचुनाव हो रहा था, उपचुनाव में हमको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा गया, कई विधानसभा में गए, वोट ट्रांसफर किए, आज पोल हो रहा है, 95% से ज़्यादा वोट कुशवाहा समाज का जा रहा है पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में, यूपीओ को बहनी भी नहीं हो रहा है। और अभी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में उन्हें आमंत्रित किया गया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आमंत्रित किया गया था, और जरूर पार्टी में एक अच्छे स्थान माननीय नीतीश कुमार जी देंगे, मुझे विश्वास ही नहीं है बल्कि 101% विश्वास है कि नीतीश कुमार हमारे जैसे लोगों को या हमारे जैसे जितने लोग हैं जो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी के मजबूत सिपाही बनना चाहते हैं, उसके लिए अवसर प्रदान करेंगे नीतीश कुमार जी ने, इसमें दो राय नहीं। तो आप देख लिया भगवान से कुशवाहा का कितना अटल विश्वास है नीतीश कुमार पर, और इनको पूरी उम्मीद है कि जो ये काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और जो इनका डेडिकेशन है नीतीश कुमार को लेकर, उसका फल जरूर मिलेगा। आपको इनकी बात अच्छी लगे, इनके दावे में, इनके विश्वास पर भरोसा दिखे, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस, बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक। पापा, मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।